Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates. आज से पहले भी मुख्यमंत्री जी ने मेरे बारे में कुछ कह दिया था, मुझे कुछ नकारा, निकम्मा, बहुत सारी बातें बोल दी थी। लेकिन देखो, अशोक गहलोत जी क्या है, अनुभवी हैं, बुजुर्ग हैं और पिता तुल्य हैं, तो वो कभी कभी कुछ बोल देते हैं तो मैं उसको अदरवाइज नहीं लेता हूँ। ऐसा है, कब होगी? आप लोग देखिए, जब से सरकार बनी है तब से मैं एक ही बात को बोलता आ रहा हूँ कि जब हमारी कांग्रेस सरकार पहले थी, 5 साल काम सरकार ने काम किया, लेकिन परिणाम जब आए तो हम सिर्फ 21 विधायक रह गए थे। अगर एक दो विधायक कम होते तो हम नेता प्रतिपक्ष का पोस्ट हमको नहीं मिलती, और लगभग 50 सीट राजस्थान में ऐसी हैं जो SC ST के लिए आरक्षित हैं। उस सरकार में हमारी जब चुनाव हुए थे तो हमारे सिर्फ 2 विधायक SC ST के आए थे 50 में से, और पूरी कैबिनेट से सिर्फ 2 मंत्री जीत के आए थे। तो उसके बाद हम सब ने मेहनत करी, और 5 साल तक काम करने के बाद, और BJP को हर बार हर मोर्चे पर चुनावी रणक्षेत्र में हराने का काम हम लोगों ने किया है। और 5 साल में हर चुनाव में, उपचुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, नगरपालिका चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा का बाई इलेक्शन हो, हर जगह भाजपा को हराया। और वसुंधरा जी की सरकार ने जो कुछ करना था हमारे साथ किया, और उनकी लाठी में हमने खाई, हमने संघर्ष भी किया है, और खूब रगड़ाई करने के बाद ये हमारी सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार। तो हम तो चाहते हैं सरकार रिपीट हो, और मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि बाकी बातें छोड़ो और बाकी लोग क्या बोलते हैं मुझे मालूम, मेरा फोकस ये है कि कैसे हम सरकार को रिपीट करें, कांग्रेस सरकार रिपीट कैसे हो। इस संदर्भ में सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से, प्रियंका जी से, नेताओं से, जो हमारे ACS की लीडरशिप है, उन सब से हम लगातार बात कर रहे हैं। और जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा कि जो सुझाव मैंने दिए हैं उस पर पार्टी ने काम करना भी शुरू किया है, और उसके अच्छे परिणाम भी आएंगे। अब सिर्फ मेरे ख्याल 1.5 साल या 1.5 साल रहा है अगले चुनावों के लिए। अगर पार्टी और सरकार मिलकर और काम करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि हम प्रदेश में सरकार को रिपीट कर पाएंगे। तो मेरा तो एकमात्र लक्ष्य ये है कि कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता रहे। कांग्रेस की सरकार बाकी राज्यों में रिपीट हुई है। हम 2013 में जब हम सरकार से बाहर हुए थे तो किस हालात में हम लोग थे, किस हमारी पार्टी कहाँ थी उस समय, जिन लोगों ने पार्टी के लिए सब कुछ किया उसको हम कैसे बुला सकते हैं। और मुझे लगता है कि 23 का जो चुनाव होगा उसमें राजस्थान के अंदर भाजपा को सत्ता से दूर रखने का काम को करेगा तो हम लोग करेंगे, और हम लोग मिलकर काम करेंगे तो सरकार हमारी निश्चित रूप से बनेगी। सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को, खबरों के लिए बने रहे।